कर्नाटक विधानसभा की 214 सीटों के लिए 10 मई को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 13 मई को घोषित होंगे। कर्नाटक में बीजेपी ने धुआंधार चुनाव प्रचार किया और बीजेपी के सारे दिग्गजों ने चुनाव प्रचार में अपना जी जान लगा दिया। पीएम मोदी ने कर्नाटक में कई जनसभाएं की और विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। चुनाव प्रचार में जहां कांग्रेस ने बजरंग दल को लेकर जो बयान दिया उससे बवाल मचा रहा, तो वहीं बीजेपी ने बजरंग बली को हथियार बनाकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं आपको बता दें कि भाजपा ने सोमवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के उस बयान को लेकर निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी किसी को भी कर्नाटक की प्रतिष्ठा, संप्रभुता या अखंडता के लिए खतरा पैदा नहीं करने देगी। भाजपा का एक डेलीगेशन सोमवार को शिकायत के साथ चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने कर्नाटक की भाजपा सरकार के खिलाफ दिए गए रेड कार्ड संबंधी विज्ञापन पर निर्वाचन आयोग द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया तथा जवाब देने के लिए और समय की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं की ओर से आचार संहिता का बार बार और सरेआम उल्लंघन किए जाने के बावजूद निर्वाचन आयोग ने उन्हें ना तो नोटिस जारी किया और ना ही उनकी निंदा की। वहीं अब चुनाव कोई दूर नहीं है। 10 तारीख को चुनाव हो जाएंगे और 13 मई को रिजल्ट भी घोषित हो जाएंगे, तो देखना होगा कि किस पार्टी की कर्नाटक में सरकार बनती है। तब तक के लिए द ग्राउंड न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द ग्राउंड न्यूज।